हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रीफ्स ट्यूटोरियल। तो प्लस टू बोर्ड एग्जाम को लेकर आउ गोटे बड़ अपडेट टी आसी सीएचसी तरफ किसीटा आंसर स्क्रिप्ट रे चेंजेस कराई है, जोटा कि आज डिस्कसन करूर्वर कही रखी जी पी चेल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को ऑल ले प्रेस कर दिंतु एवं वीडियो को लाइक करने सहित निजर समस्त प्लस टू बोर्ड एग्जाम सांग सहित सेयार कर दिए जमी समस्ते इनफर्मेशन टी पाई पारे। पूर्व आउ गोटे छोटे जिनस कही रखी ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में आम व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप लिंक दि जाएगी, जो मैंने भी सब जिन अपडेट पाया चाहते हैं चाहिए मतलब जॉइन हो देख पाते व्हाट्सएप ग्रुप टीटा बहुत सारा ऑलरेडी नोट्स पीडीएफ सब जिन सेयार कराए तो आपने चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाइए जॉइन हो पारे। तो सीधा जी टॉपिक उपरक तो जहाँ भी नोटिफिकेशन आसा कि देखी पार्थ तुमको स्क्रीन आगे जो भी नोटिफिकेशन टी शो करो यही तुमको डाउनलोड करने आईदर तुम व्हाट्सएप ग्रुप कि टेलीग्राम ग्रुप जॉइन होकर पापर कि तुम्हें साम्स सर्च करके साम्स वेबसाइट रूप डाउनलोड कर ठीक अच्छे। तो डायरेक्ट मुझे नोटिफिकेशन नौ देख नोटिफिकेशन कौन रही ऑल द प्रिंसिपल हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस ऑफ द अफिलिएटेड रिकॉग्नाइज्ड हाई स्कूल जोटा कि तुम हायर सेकेंडरी स्कूल अंडर काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन जोटा कि हायर सॉरी काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल में ओडिशा इंक्लूडिंग ऑल सेल्फ फाइनेंसिंग एचएससी जो मैंने सेल्फ फाइनेंसिंग समस्त नोटिस सब्जेक्ट ना यूज ऑफ अ ब्लैंक आंसर स्क्रिप्ट ड्यूरिंग एनुअल एचएससी एग्जामिनेशन 2023 माने 2023 जो एनुअल एचएससी एग्जामिनेशन हम से ब्लैंक आंसर स्क्रिप्ट यूज करिया को नहीं किसी नोटिफिकेशन आसी तो या तुम डिटेल बुझी पार तुमको पेपर ऊपर नहीं बुझे तो तुम आपको डिटेल बुझी पार देखी पार पेपर को देखी पार्थ तुमको स्क्रीन उपरू नौ देख आसला तुम देख पार डायरेक्ट लिखा जे युक्त दुई परीक्षा एथर 30 पृष्ठ उत्तर खाता तो यहाँ हूँ टॉपिक रही जोटा कि तुम पेपर वाला तो टोटल डिटेल्स कौन कौन ना देख जे मार्च पहले आरंभ हाबक युक्त दुई थियोरी परीक्षा एब एथर उत्तर खाते सामान्य परिवर्तन कराई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित यह परीक्षा देवाक रेगुलर तथा जो मैंने कि 2021 पंजीकरण करा बारंबार कही आसी जे रेगुलर पिला अलग स्टाइल परीक्षा हाँ एंड एक्स रेगुलर पे अलग स्टाइल परीक्षा हाँ यहाँ मुझे सबुठ फास्ट कही आमको रेगुलर किए ना जो मैंने 2021 प्लस टू फास्ट इयर एडमिशन कले 2022 प्लस टू सेकेंड इयर है एक्स रेगुलर किए ना 2020 पूर्व जी पिला रजिस्टर कर चाहे तुम 2004 कर चाहे तुम 2000 मसीह करता चाहे तुम 2016 कर जदि तुम 2020 कि पूर्व एडमिशन कर प्लस टू फास्ट इयर में तुम एक्स रेगुलर रे गणति हो ठीक अच्छे। तो कौन कौन ना 2000 सॉरी ये देख पार्थ जो 2021 पंजीकरण कर छात्र छात्री 30 पृष्ठार उत्तर खाता प्रदान कहीं जेहेतु से 100% सिलेबस पड़ो सहित अधिक लॉन्ग क्वेश्चन पड़ो रेगुलर पिला किंतु जो मैंने 2020 पूर्व पंजीकरण कर एक्स रेगुलर परीक्षार्थी को 28 पृष्ठार खाता उत्तर खाता दिज्व कहीं जेहतु से अधिक एमसीक्यू पड़ो एंड 70% सिलेबस पड़ो एंड बहुत कम तरह लंग क्वेश्चन पड़ो जोटा कि 2022 मसीह परीक्षा होता है से ही पैटर्न एथरक एक्स रेगुलर पाला परीक्षा हम तापर कौन सॉरी हाँ 28 पृष्ठ उत्तर खाता दिज्व कौन से भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को अतिरिक्त उत्तर खाता दिज्व ना मैंने आडिशनाल कौन से भी सिस्टम प्लस टू बोर्ड एग्जाम ना जी पिला भी डाउट था भाई आमको आडिशनाल दिज्व कि ना तो तुम यू क्लीयर हो जाओ कौन प्रकार आडिशनाल फैसिलिटी तुमको बोर्ड एग्जाम दि जाऊपर कौन थियोरी परीक्षा लगे उद्दिष्ट खाता को कौन भी परीक्षा केन्द्र कर्तृपक्ष प्राक्टिकल परीक्षा व्यवहार करेंगे ना तुम जो साइंस पिला प्राक्टिकल रोज जो लिखा पड़ी आई थिंक कमर्स पिला तो प्रोजेक्ट रोज आर्ट्स पिला भी एजुकेशन प्रोजेक्ट रोज कि जो मैंने कि कमर्स सरी साइंस रू बिलंग्स करते साइंस प्राक्टिकल लिखा पड़े तो कौन भी परीक्षा केन्द्र में ये जो थियोरी पेपर को प्राक्टिकल व्यवहार करना एने परिषद अधीन समस्त उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालय को अध्यक्ष प्रधान शिक्षक को निर्देश देखते कौन रोज देख जोटा कि आज मेन जो डिस्कसन करवा जे परीक्षा खाता के दिन भीतर तुमको आसो तुम जो कॉलेज को परीक्षा खाता जो तुम हब सेंटर करसव देख लिखाई एथर भी दुईट पर्यायर परीक्षा परिचा हब को प्रश्नपत्र पठाव मार्च 1-18 तारीख मध्य विषय गुड़िकर परीक्षा लगे फेब्रुआरी 22-26 मध्य प्रथम पर्याय आस माने जो जो एग्जाम तुम रोज मार्च 1-18 तारीख भितर तार प्रश्नपत्र तुम जो हब को फेब्रुआरी 22-26 तारीख भितर आसिक पहुंच तो अलमोस्ट 5-6 दिन 8 दिन 10 दिन पूर्व क्वेश्चन आसिक तुम मैनेजमेंट हब जो रही कलेज तुम कलेज खाता आसिक पहुंची जी
ତାପରେ କହୁଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ପରେ ଥିବା ହେବାକୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଲାଗି ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ରୁ ସରି ହଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖ ପରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ତମର, ଯଦି କାହାର ବି କୌଣସି ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ତ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 15 ରୁ 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କହୁଛି ଆଉ ସେମିତି କିଛି ବି ଏଥିରେ ସେତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତ ଯେତିକି ବି ଥିଲା ତମକୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରେଇଲି। ଆଇଦର ଦେଖିପାରୁ ତ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେପଟେ ଫେବୃଆରୀ ପହିଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ବାଣିଜ୍ୟ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଦୂର ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ 1,20,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। 10 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ବି ତ୍ରୁଟି ହୋଇନି। 1,20,000 ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ସବୁ କମର୍ସ ପିଲାଙ୍କର ତ ଅଛି, ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର କୋଉମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ହିସାବରେ ଏଇ ଥିଲା ତମର ସିମ୍ପଲି ନୋଟିସ ଯେ ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କମ୍ ପେପର ଆସିବ, ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ପେପର ଆସିବ, ମାତ୍ର 2 ପେଜ୍ର ଫରକ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଡିସନାଲ ଫାସିଲିଟି ନାହିଁ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ ଆନ୍ସର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମେଣ୍ଟ ଫର ଥିଓରି ଏକ୍ସାମିନେସନ୍। 28 to 32 ପେଜ୍, ଏଠି 32 ପେଜ୍ ଏଠି ଭୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଠି 30 ପେଜ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, ଠିକ ଅଛି, ଫର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ। ଏଠି ତମେ ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ଆଉ ଥରେ ଇଂଲିଶରେ ଦେଖିବ ଯେ 28 ପେଜ୍ ଆନ୍ସର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଟୁ ବି ୟୁଜ୍ ଅର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ 30 ପେଜ୍ ଆନ୍ସର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଟୁ ବି ଇସ୍ୟୁ ଅର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଟୁ ରେଗୁଲାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ସିମ୍ପଲି ନୋଟିଫିକେସନ। ତ ୟା ବାଦ ଯଦି ତମର ଆଉ କୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମକୁ ନେଇକି, ତୁମେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିବ, ସ୍କଲାରସିପ୍କୁ ହଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ, +3 ରିଲେଟେଡ୍ ହଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଡ଼ି ହଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯାଏ ତୁମର 10th କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରଠୁ, ମାନେ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଠୁ ଧରିକି +3 ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିବ। ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ତମକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଇ ଭିଡିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ, ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ଲିଙ୍କ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଜଏନ୍ ହେଇକି ଆସିପାରିବ, କିମ୍ବା ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇକି ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା, ସେତିକି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସିଆ ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ, ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେବି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ, ସେତିକି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସିଆ ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍।